अरे भाई सबको पता चल गया यार, तुम लोग जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाओ। अरे गीता अभी तक नहीं आई, मैं किसको लेकर जाऊंगा? हाँ क्या गीता वहाँ नहीं है क्या? गीता गीता गीता, मर्द मतलब कैसा रहना चाहिए? हमारे जमाने में लोग कैसे थे पता? औरत ने बोल दिया तो बस दो तीन को मार देते थे, लेकिन अभी के लोग उन्होंने सिर्फ आंखें बड़ी की तो बस चिपक जाते हैं। देश को लेकर हम शुरू हुए थे और आखिर में हम कुमार के घर पहुंच गए। पेपर में जो बातें नहीं आती वो सब तुम लोगों ने कर ली हैं। कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम लोगों के पास? करने के समय हम सब ने किया है तब यहाँ बैठे हैं। तुझे जो भी करना है जाकर कर। बुढ़ापे में ऐसी बातें करने के लिए तुम सब माहिर हो, तुम लोगों को जो करना है वो करो, मैं तो जा रहा हूँ। तेरा काम क्या है ये हमें भी पता है, जाते वक्त कैंची भी लेके जाना। अरे वाह क्या बात है दादाजी, कितने मस्त बाल काटे हैं आपने मेरे, जो भी देखेगा शौक हो जाएगा दादाजी। हमारा काम ही यही है भाई, जो जैसा बोलता है वैसा कटिंग करके भेज देता हूँ, बस वो खुश हो जाए इतना ही काफी है, समझ गया ना? आप ऐसे ही बिना मतलब के घर में बैठे रहते हैं, इससे अच्छा आप टॉकीज में जाइए और फिल्में देख करके आइए, और जैसी स्टाइल उसमें होती है वैसे मेरे बाल काट दिया करिए, मैं भी देख देख के सीख जाऊंगा। अरे बेटा आजकल के फिल्मों में जो स्टाइल दिखाया जाता है वैसी कटिंग में कब का कर चुका हूँ। है बोलू कटिंग, चाहिए तो ज्वाला की बीवी को पूछ। क्या कहा? ज्वाला की बीवी ने आपके हाथों से कटिंग करवाई है, वो भी उस जमाने में? अरे रे 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 पागल, वैसा नहीं है बेटा, उसने ज्वाला से शादी वही कटिंग देख के की है, और उस जमाने में निकर पहनने वाले लड़कों से लेकर बुड्ढों तक मुझसे कटिंग करवाने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे। ओह तो किसी को रखा था या नहीं रखा था? हाँ टोकन देने के लिए दादाजी। तुझे क्या लगता है मैं झूठी कहानी सुना रहा हूँ? मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। आप इस उम्र में इतनी अच्छी कटिंग करते हैं तो अपने जमाने में आप कैसी कटिंग करते होंगे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पुरानी मशीन को काम थोड़ी ना समझा सकते हैं। अरे यार दुकान पे लोग इंतजार। हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ, जल्दी से पानी डालिए। क्या यार सारे बुड्ढे आज यहाँ आ गए हैं, लाइन में बैठे हुए हैं सब, सबकी एक साथ बनाऊं क्या? एक से बात कर, चाहिए तो 5 रुपए ज्यादा ले ले, लेकिन मेरे हिसाब से काटना। कबूतर के घोंसले की तरह बाल हैं, जब मैं कहता हूँ तब तो सुनते नहीं है, और आज अचानक से आपकी सोच बदल गई। हाँ सच सच बताइए बात क्या है? हाँ बात करना छोड़ के काम कर, कुमार की तरह तू हमारा भी मुंह खुलवाना चाहता है क्या? ए, उसकी बीवी भाग गई थी वो बात मैंने थोड़ी ना पूछी थी, उसने खुद बताया था। सुनने के बाद चुप रहना चाहिए था, तुमने तो पूरा गांव को बता दिया। हाँ ठीक है चुप रहिए, मुझे काम पे ध्यान देने दीजिए, ये बताइए कि कटिंग कैसे करूं? सुनो शेर शेर, मेरी कटिंग हुबली के जैसा करना, मुझे देखते ही सनी लियोनी मेरे पास दौड़ कर आनी चाहिए। तू वैसा कट करेगा तो मैं चुप बैठूंगा क्या? मैं भी बादशाह हूँ इसलिए मैं भी बादशाह कट कटवाऊंगा। इन सब की चाहे जैसी काटो, मेरी इस फोटो के जैसे हूबहू काटना, समझ गए ना? ऐसी? हाँ वो भी आपकी। हाँ हाँ ठीक है जाके बैठिए, पूरा दिन खराब हो गया है, पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी आज। मेरा तो तू जोगी स्टाइल ही करना। सनी लियानी को कंगन देने वाला है क्या? अगर उसने मांगा तो मैं उसे अपनी बोरवेल वाली जमीन दे दूंगा, लेकिन उस बोरवेल में आजकल पानी नहीं आ रहा है। इस बात पर इतना क्यों सोच रहा है? मेरे बोरवेल में बहुत पानी है, मैं डाल दूंगा। पहले अपनी जमीन पे पानी तो डाल, फिर दूसरों की में डालना। क्या हुआ लिंगा भाई बहुत ही शांत बैठे हैं, आपकी कैसी कटिंग करूं? मेरी बीवी के हाथ में बाल लाए ऐसा काटना। ए, मेरे आने तक ही तुम लोगों की हवा थी, मेरे आने के बाद सिर्फ मेरी हवा रहेगी। अबे अंदर हवा जा रही है, पहले लुंगी तो बांध ले अपनी। क्या हुआ कंडक्टर जी? अबे कंडक्टर ड्यूटी पे नहीं गया क्या? सुबह सुबह पीना शुरू कर दिया। क्या
क्या बुड्ढे, सुबह सुबह तुम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हो भाई, क्या कर रहे हो है? अबे तो बुड्ढा किसको बोल रहा है, आज भी मैं खड़ा हो जाऊँ तो 10 पुशअप्स और 20 पुलअप्स 108 डिप्स मार सकता हूँ, समझ गया ना? देखेगा क्या? नहीं भाई, अगर तुम्हारी हवा निकल गई ना तो ठीक कराने के लिए 108 पे कॉल करना पड़ेगा। ये बताओ बात क्या है? यूथ पार्टी मतलब ऐसे ही रहना चाहिए। तो जाकर पंचर बना। अब ये बोर्ड पे किसने लिखा है, शाही नहीं है उसमें? अबे ओ भट, अबे वो शाह गया तेल लगाने, पहले देखो आई कि नहीं। अरे रे रे रे, कैसे तैयार होकर आए हो, मेरी दो आंखें भी कम पड़ गई देखने के लिए। सनी लियोनी आई है क्या? हाँ दादा। लगता है छोटी सी मिस्टेक हो गई है, हिम्मत रखना, नहीं तो देख करके फांसी लगा लोगे। बिना कपड़े के भी आएगी ना तो भी मेरी जान नहीं जाएगी। अबे ए भाट, तेरे मुंह से लार अभी से टपक रही है, उसके आने के बाद टपकाना। ए, ए, वो आ रही है, तुम लोग बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे बाप रे, बच गए आज तो, बड़ी मुश्किल से उन बुड्ढों के हाथ से बच के निकले हैं। अरे यार, बहुत ज्यादा हिट थे वो लोग, अगर 10 मिनट भी हमारी सच्चाई पता नहीं चलती ना तो हमारी कहानी खत्म। उन बुड्ढों के हाथ की लकड़ी स्ट्रांग होगी ऐसा मैंने सोचा, लेकिन उन बुड्ढों का तो। चुप हो जा बे, और ध्यान रख, 2 दिनों तक कोई भी उनकी नजर में मत आना, बाद में उनके सर पे ठंडा तेल डाल के कूल करके उन्हें समझा देंगे। बिल्कुल सही, हम नहीं छोड़ेंगे। क्या रे, पैसे कम थे तो मांग लिए होते, अरे 2000 तो मैं ही दे देता, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे मैंने घर से बीवी की चेन चोरी की है, तुम्हें और 2000 रुपये चाहिए तो मैं दूसरी चेन भी चुरा लेता और बीवी को बोलता कि घर में चोर ने चोरी की है। अरे मुझे देखो, सारे लोग मंदिर जा रहे थे लेकिन सनी लियोनी को देखने के लिए मैं ये बोलकर रुक गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोगों ने ये सही नहीं किया। ओह, शमशान जाने वाले बुड्ढों को सनी लियोनी देखनी है? शरीर पे मत जाओ बेटा, दिल अभी भी जवान है। अरे आप लोग चिंता क्यों कर रहे हो, सनी लियोनी जैसी लड़की हमारे गांव में भी मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा। ए चलो। यार कैची, उसने दाढ़ी को ठीक से नहीं काटा, तू थोड़ा सेट कर देना यार। सर्विस कराने के लिए शोरूम में गया था और अल्टर कराने के लिए गैरेज में आ रहा है, और वो भी फोकट में। हाँ, इसीलिए तो सारे बुड्ढों को हम तेरे पास भेजते हैं यार, तू अच्छे से कटिंग करेगा तो हम लोग भी तेरे पास ही आएंगे। बसंत आ रहा है देखो। ए बसन, लड़की देखने गया था ना, क्या हुआ? 106 लड़कियों को देखा, सब रिजेक्ट कर दी। किसने किया? उन्होंने ही। इस पूरे एरिया का 6-pack सलमान खान हूँ मैं, मेरे को कौन रिजेक्ट करेगा, मैंने ही उनको रिजेक्ट कर दिया। तू शादी करेगा सुन के लड़कियाँ भाग जाती है बे, इस बार भी तेरी शादी नहीं हुई मतलब तू अब शादी के बारे में भूल ही जा बेटा, निकल यहाँ से। इतने टाइम में तो मैं खुद एक शादी कर लेता। ए जाजा, जा बुड्ढे। अरे वो तो जा रहे हैं, छोड़ बसंत। एक बात बता, तुझे कैसी लड़की चाहिए? मेरे रेंज वाली, एकदम कड़क रहनी चाहिए। मैं कौन हूँ जरा बता तो। सलमान खान। अरे देखो कैसे लड़ रहे हैं। सलमान खान नहीं बे, सलमान, सलमान खान। तेरा बिल्डअप बहुत हुआ, पहले ये बता कि लड़की कैसे चाहिए। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जब वो धीरे धीरे कदम बढ़ाकर आए तो। और उसकी नजरें उठे। और फिर प्यार से उसकी पल के नीचे झुके और उसकी मुस्कुराहट पे सब मर जाएं। ऐसी लड़की अभी तक पैदा ही नहीं है, भूल जा। पैदा करने के लिए मैं रेडी हूँ।
अबे बुड्ढे ये जो हिला रहा है ना इसे पहले नीचे कर, हाँ। बाद में पैदा करना है। पैदा करूंगा। अरे वो सब छोड़, अगर वैसी लड़की नहीं मिली तो क्या करेगा मुझे ये बता। मैं थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर रहा हूँ और अपने गांव की गौड़ा की बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। गौड़ा की बेटी? वैसे वो मेरे रेंज की नहीं है लेकिन काम चला लूंगा। वो क्या है कि तुम्हारे जैसे लड़कों के साथ उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए ना, इसीलिए मैंने उसे एक अच्छी जिंदगी देने का फैसला किया है। ये मजाक बहुत भारी पड़ेगा, शायद तुम जानते नहीं हो कि उसका बाप कौन है। अमीर घराने की लड़की पर तू नजर उठाकर भी देखेगा तो यही होगा, मरेगा तू। उन्होंने क्या कहा था? नजर उठा के मत देखना है, लव नहीं करना बोला था क्या? मैं तो लव करूंगा। अबे उसके बाप को पता चलेगा ना तो दो बार तेरी जान लेंगे। और उसके मामा कैसा है तुझे तो पता ही होगा ना। कौन सा हाथ लगाया था तूने? कौन सा हाथ? ये हाथ लगाया था गौड़ा जी, दोबारा गीता के पीछे नहीं जाऊंगा मैं। गीता नहीं, गीता मैडम बॉल। इसी हाथ से छुआ था ना तूने? इसी हाथ से छुआ था ना? इसी हाथ से मेरी गीता को छुआ था ना? अब से ये तेरा हाथ नहीं रहेगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, माफ कर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, गीता को सिर्फ मैं ही छूंगा। अगर किसी और ने हाथ लगाया तो उसका हाथ ऐसे ही काटूंगा। चाहे वो कुछ भी कर ले, गीता से तो मैं ही शादी करने वाला हूँ। यार वसंत की लाइन क्लियर हो गई है, गौड़ा जी खत्री को अपनी बेटी नहीं देंगे, ये पूरे गांव को पता है। अबे गौड़ा को छोड़, खत्री ने भी जिद पकड़ी है कि वो नहीं छोड़ेगा। 20 साल पहले बात कुछ और थी, आज बात कुछ और है। मैं गौड़ा जी के बराबर खड़ा रहूंगा। अब ये समझ लो कि उस खत्री की जिंदगी खत्म होने वाली है। आज भी एक तोड़ दिया। देखा क्या तुम लोगों ने? बस जाकर उसे बता दूंगा, देखो गीता मुझे कैसे देख रही है। अबे चुप हो जा बे, अंदर कैची है ना, उसने उसकी तरफ देखा है बे। अबे तू ऐसी बात कैसे कर सकता है बे? मेरे जैसे ठीक ठाक आदमी को ना देखकर तो क्या उस अपाहिज को देखेगी? तुम लोग को कोई काम तो है नहीं और तुम लोग मुझे जबरदस्ती क्यों खींच रहे हो? किसी तरह 3 टाइम कटिंग करके अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ यार। अगर ये बात गौड़ा जी को पता चल गई ना तो वो मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। तुमने सही कहा कैची। ये सब तेरी वजह से हुआ है, चल जा यहाँ से। तू चाहे कुछ भी बोल, उसने कैची को ही देखा था। इसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं। आज शाम को मैं प्रूफ करूंगा कि उसने किसकी तरफ देखा था। आज यार एक खेल खेलते हैं। भाई मेरे को ऐसा खेल पसंद नहीं है। तो क्या खेलना है तुझे? लाइमिंग्स खेलते हैं। अरे वो लेमिंग नहीं है बे, रेमिंग है। अबे तू समझ गया ना, वही खेलते हैं। ए, वो सब छोड़ यार, कुछ नया खेलते हैं। चल कुछ नया खेलते, खेलते हैं। चल तुझसे शुरुआत करते हैं, चल। शुरू कर। गोली बोली होली चोली गोली। आप तुम लोग शुरू करो। अटका मटका झटका फटका। हाँ कुछ और बोल बे। केला ठेला ठेला चला। अरे हार गया तू वसंत। अरे छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा। अच्छा छोड़ दे, इससे नहीं होगा यार, छोड़ दे तू। सोचो भाई सोचो सोचो। मुझे पता है। अबे मुंह बंद कर, सेंसर वाला भी है। मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। अरे नहीं मुझे बोलना है। चुप चुप। अबे हार जाएंगे तो भी चलेगा बे, चुप। अरे पेला। अबे तो ये बोल रहा था क्या? अबे तेरे देखने के अंदाज से लग रहा था कि तू कुछ और ही बोलने वाला है बे। ए, अपना मुंह बंद कर बे वसंत, नहीं तो तेरा चेला कुछ और ही शुरू कर देगा। चल बे थू थू। चलो यार चलो चलो यार चलो। अरे अभी तक नहीं आई। क्या हुआ वसंत, ऐसे इधर उधर क्यों मचल रहा है बे? गीता आ जाएगी तो इसका राज खुल जाएगा, इसी बात की चिंता है। अबे कोई राज होगा तब तो खुलेगा ना। इन लोगों को जलन हो रही है। अबे तेरी भाभी दिख गई। अबे मुझे ही देख रही है बे।
ये क्या है गीता, जिसके पास काम धंधा नहीं है उसे अपने को देखने का काम दे दिया। मेरी बात सुन, किसी को पसंद करके पापा से कह के शादी कर ले उससे। उन्हें जो करना है करने देना, तो चुपचाप चलती रहे। देखा क्या तुम लोगों ने, मुझे कैसे लुक दिया उसने। ए वसंत, तू अंधा हो गया क्या बे? लुक उसकी तरफ गया है। अब तो कुछ समझ जा मेरे भाई, उसने कैची को देखा है। ऐसा क्यों कर रहे हो यार तुम लोग? बड़ी मुश्किल से 3 टाइम का खाना खा पा रहा हूँ, तुम लोग वो छीनना चाहते हो क्या? तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ मैं, दोबारा मेरी दुकान के सामने दिखाई मत देना। चलो जाओ। तू बता किसे देख रही थी? उसने तुझे देखा या मुझे? यहाँ से तू दोबारा मेरी दुकान के सामने उसके बारे में बात मत करना। लड़की देखी, ये किया वो किया, हद है यार। ए वसंत, अगर तू ऐसे ही करेगा ना तो कैंची तुझे लात मार के बाहर निकाल देगा। ए, इस बॉडी को देखकर तू मुझे कम मत आंक, मैं सिर्फ दिखने में कॉमेडी लगता हूँ, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो। अबे कैंची, तूने मेरा हाथ तोड़ दिया बे, अब धोऊंगा कैसे रे? जब भी तेरा बीपी हाई होता है तू मेरा मटका फोड़ देता है, इतने मटके मैं कहां से लाऊंगा, इसीलिए मैंने इस बार ऐसा किया। देखा ना वसंत, कैंची ने क्या किया तेरे साथ, गीता के मैटर से चुपचाप बाहर निकल जा। इसे अभी नहीं, सुबह धोते वक्त पता चलेगा। अरे चले, कल नदी किनारे तू ही मेरी मदद कर देना। आज तो हम सबका फुल एंटरटेनमेंट हो गया, लेकिन कैची रॉन्ग हो गया। तुम लोग मिलकर गांव वालों के साथ मजाक कर रहे हो, पता नहीं आगे इस गांव का क्या होने वाला है। इतना ही नहीं, आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। मैं सही हूँ ना? सही है। मैं सही हूँ क्या? सही है। मैं सही हूँ क्या? सही है। अगले घर में पहुँच गई? मैं सही हूँ क्या? सही है। क्या हुआ, तुम लोग छुप गए हो क्या? कुछ तो बोलो ना। मैं पास हो गई। फेल। सविता रुक, मैं भी आ रही हूँ। रुक जा। रुक जा। तुझे कितनी बार समझाया, दोस्ती करने के लिए या संबंध बनाने के लिए एक हैसियत होनी चाहिए। तू इस घोड़ा की बेटी है, भूलना नहीं। अरे वहां क्या देख रहा है? मैं इधर देखने को बोल रहा हूँ, तू उधर देख रहा है। वहां कोई बंदर नाच रहा है क्या? मैं अपनी माँ को बताऊंगा। वो तुझे देख के हंस रही है। अबे मेरे पैसे तो देखे जा। ए, कैची, आज तो तेरी लॉटरी लग गई बेटा। अबे चुप रे, तुम लोग की वजह से मेरे 10 रुपए चले गए। अबे इतनी बड़ी लॉटरी लगी है तेरी, 10 रुपए के लिए क्यों रो रहा है? क्या बात है बे? अबे लॉटरी मुझे लगी है तो उसका इनाम इसको कैसे जा सकता है बे? अबे वसंत, तुझे अब मैं और किस भाषा में समझाऊं? अबे उसने मुझे ही देखा है। ये दुकान चाहे बंद क्यों ना हो जाए, इस बात का फैसला करके रहेंगे, क्या बोलता है? अबे जीना, किस कमीने का पैर भी दर्द नहीं करता है क्या? यार कैची, तू निकल यहाँ से, तेरी वजह से आज मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी है। तू क्यों दांत दिखा रहा है अपने? गधे के मुंह नहीं लगता है कैंची। अबे चले, तेरी भाभी आ गई बे। देखा ना कैची, वो उस दिन से सिर्फ तुझे ही देख रही है, आज भी उसने तुझे ही देखा। इतना सब होने के बाद तो समझ कि वो तुझसे कितना प्यार करती है। अबे चले, ये भी रिजेक्ट हो गई बे। भाई खट्टारी आ रहा है।
कौन है बे जो मेरी जगह पे खोद रहा है? खतरे की कहानी तो खत्म हो गई। मेरे आदमी पर हाथ उठाया, कितनी चर्बी है बे तुझ में? उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, मुझ पे हाथ उठाएगा तो मैं क्या करूंगा? ए, मैंने ही बोला था, और आज तू भी सुन ले, ये जगह मेरी है, किसी और के बाप की नहीं है। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो जगह मेरी ले लोगे क्या? मैं क्या बाहर वाला हूँ मामा? ए, कौन है रे तेरा मामा? जिस दिन मेरी बीवी मरी उसी दिन से सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। अगर तूने दोबारा मेरे मामले में टांग अड़ाई ना तो मैं क्या करूँगा ये तू सोच भी नहीं सकता। संभल जा, चल रहे। भाई आप 10 जन को मार सकते हो और उसके हाथ से आपने मार खा ली। इज्जत से बात कर, उसके नहीं उनके बोल। मुझे कम इज्जत देगा तो भी चलेगा, लेकिन उनके मान में कमी नहीं होनी चाहिए। मेरा होने वाला ससुर है वो, ससुर। घूमने के लिए आंगन में जगह नहीं दे रहा है तो फिर लड़की कहाँ से देगा? देना ही होगा, मैं मजबूर कर दूंगा। कैसे भाई? टीवी उनके घर में है ना, लेकिन रिमोट मेरे पास है। कौन है वो लड़की? कौन है? कौन सी लड़की? कोई लड़की नहीं है। ओ, मैं भी तेरी उम्र से ही गुजर कर आया हूँ, मुझसे छुपाना चाहता है तू? मुझे कौन लड़की देखेगी? अरे आखिर ऐसी बात क्यों कर रहा है तू? क्या कमी है तेरे अंदर? तू तो एकदम राजकुमार है, राजकुमार। मेरे जैसे अपाहिज को भला कौन पसंद करेगी? अपाहिज की बात नहीं है बेटा, दिल की बात है। जिस इंसान के पास सब कुछ होता है फिर भी वो किसी गरीब भूखे को खाना नहीं खिलाता लेकिन खाना रास्ते पर फेंक देता है, वो होता है अपाहिज। तुझे क्या हुआ है? तू तो अपने पैर पर खड़ा है, मेहनत कर रहा है, फिर तुझे क्यों नहीं पसंद करेगी वो?
मतलब मुझे भी कोई प्यार कर सकता है क्या? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तेरे नसीब में अगर उसका नाम है तो एक दिन वो तुझे जरूर मिलेगी। जरा उधर तो देखो वसंत को, आज तो नए अवतार में आया है। देख रहा है चले, बेकार लोग ऐसे ही सुबह से बैठे रहते हैं। मतलब पूरे गांव में झाड़ू मार के आए हो? अबे इसकी बात छोड़ यार, वो किरण कहां से सीख कर आया यार? रात को उसने सब कुछ सच सच बता दिया। अबे चुप हो जा बे कुमी, इतने दिनों से मैंने अपने दिल में छुपा के रखा था उस सीक्रेट को, कमीने ने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया, सब कुछ अंदर से अपने आप बाहर आ गया। और क्या करेगा बे, 90 के ऊपर एक और 90 मारा होगा और क्या। अबे नहीं यार, उसने ऐसे ही मुंह खोल दिया था। अबे वो तो मैंने भी देखा था, ये कैसे मुमकिन है बोल? हिप्नोटिज्म से बे, बेंगलुरु में 6 महीने की ट्रेनिंग ली है उसने। क्या 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 क्या? मतलब तुझे इसके हाथों वश में करके तेरे अंदर की सारी जानकारी बाहर निकालने का। चल निकलवा देखता हूँ, चल। मर्द हो तो ऐसा हो। ए किरण, हिम्मत है तो इसका मुंह खुलवा। चल आजा, आजा, चल, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देखते हैं। अबे देख ले, चल चल चल, चल तू रेडी है ना? चुपचाप यहाँ खड़ा हो जा। अब चल रेडी कर, शुरू कर। आज तुझे देख ही लेगी वो। क्या? हाथ ऊपर कर और ऊपर कर। छोड़ ना। अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है क्या? चल झुक नीचे, अब सीधा हो जा। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। गीता जी, मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है। मेरे साथ क्या है बोलो? वो क्या, बोलो ना। प्यार इज्जत और शोहरत से बड़ा होता है, ऐसा मैंने फिल्मों में देखा था और शायद आपने भी देखा होगा, लेकिन ये बात मेरी जिंदगी में सच हो गई। जब से मैं आपको देखने लगा हूँ मुझे नींद नहीं आती है, खाना भी नहीं खा पाता हूँ। मुझे भी कभी कोई प्यार करेगा मैंने सोचा नहीं था। आई लव यू। एक बात जान लो कि प्यार इज्जत और शोहरत से बड़ा नहीं होता, इज्जत शोहरत सबसे ऊपर है। सबसे पहले तुम अपनी औकात और परिस्थिति देखकर जीना सीखो। बड़ा आया मुझसे प्यार करने वाला। दुकान में जो पी के आता था मैं उसकी कटिंग नहीं करता था और आज मैं खुद पी रहा हूँ। देखो दोस्तों, पूरी बॉटल खत्म कर दी मैंने। मैं अच्छा खासा जी रहा था, उसने मुझे देखा और जिंदगी बर्बाद। तुम लोगों ने भी मुझसे ये कहा कि वो मुझे प्यार करती है। अबे कैची, हमारी बात तो सुन यार। तू बोलने को और सुनने को बचा ही क्या है यार, मैंने उससे अपना प्यार जताया। उसने कहा तेरी औकात क्या है मेरे सामने, मैं अपाहिज हूं ना, उसने मेरी इज्जत उतार दी। उसने कहा मेरे बाप के सामने खड़े होने की तेरी औकात है क्या? प्यार को सिर्फ पैदा होना आता है, उसे मारने का कोई इतिहास नहीं है। मैं पैदा इसी अपाहिज हूं ना, इसलिए मैं किसी काम का नहीं, ऐसे में प्यार कौन करेगा, इसीलिए उसने भी बेइज्जती की। लेकिन एक बार आप अपनी बेटी से भी पूछ लेते तो। Hey! हमारे घर में पूछना उछना नहीं चलता है। मैं जिसे लाऊंगा मेरी बेटी को उसी के हाथ से मंगलसूत्र बंधवाना होगा, समझ गए ना? हाँ? Hey! अगर उसके गले में मंगलसूत्र कोई और डालेगा तो फिर मेरे दिल में प्यार पैदा क्यों हुआ? दिखाऊंगा मैं उसके बाप के सामने खड़ा होके, मैं उसे जरूर दिखाऊंगा। मेरे प्यार की परीक्षा ले रही है ना वो, मेरा प्यार क्या है मैं दिखाऊंगा उसे, जरूर दिखाऊंगा उसे।
अरे तेरी तो मुझसे छुटकारा करेगा तू, आज तेरी इतनी हिम्मत और भाषण देने को गौड़ा जी, गौड़ा जी कौन मुझे गौड़ा बोल रहा है रे? ए, मारते रहना कमीने को, मैं आता हूँ। गौड़ा जी, ये नहीं हो सकता। प्यार के लिए तो लोगों ने पर्वत काट के रास्ता बना दिया, इससे बड़ा मुश्किल काम क्या था हा? तो मैं भला तुम्हारी इच्छाओं को पूरा क्यों नहीं कर सकता हूँ हा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो बात तुमने मुझसे कही अगर वही बात तुमने मेरे डैडी से कह दी तो वो मुझे मार देते ना, तो फिर मारने देती। अगर तुम मुझे नहीं मिली ना तो रोज रोज मरने से बेहतर है कि मैं एक ही दिन में मर जाऊं। मरने के बाद भी मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। तुम्हारे पापा मेरे शरीर से मेरी जान निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है उसे नहीं निकाल सकते हैं। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं भी तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकती। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम लोगों से नफरत करने वाले मेरे डैडी क्या हमारे प्यार को अपनाएंगे? हम उन्हें मनाएंगे। दुनिया में कोई भी माँ बाप किसी के प्यार को पहली बार में नहीं अपनाते हैं, वो भी वैसे ही हैं। हम उन्हें मना लेंगे। अभी कैसा दिख रहा है? एकदम झकास लग रहा है ना? फसल काटने वाला ये अच्छा है। ये फसल काटने वाला नहीं है, इस मशीन को ट्रिमर कहते हैं। देखो तुम्हारा गाल कितना स्मूथ लग रहा है ना? ऐसा क्या? हाँ, अभी तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे 15 साल पहले दिखते थे। अरे 5 साल पहले लाता तो मैं थोड़ा और छोटा दिखाई देता। अबे तू भी ना, इसीलिए तो मैं इसे लाया हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या है? देख जरा इस सेल्फी में कितना मस्त दिख रहा है तू। ऐसा क्या? 5 रुपए ज्यादा है बस। बातों में घुमा कर तू फालतू के पैसे ले रहा है। चल जा, मुझे या नहीं करवाना, पुराने वाले से करवा लूंगा। फालतू में पैसे लेता है तू। अगर तेरा मशीन इतने काम का है तो चल ठीक है, यहाँ के बाल निकाल। चल बाहर का बोर्ड नहीं देखा क्या तूने? बोर्ड में और बाल निकालने में क्या संबंध है बोल? आज से बगल के बाल निकालने के 20 रुपए लगेंगे। ओ, कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तू। आज के बाद मैं यहाँ नहीं आने वाला। अच्छा, कहीं और जाके बाल कटवाऊंगा, समझ गया? ए, सुन, जहाँ भी जाना है जा, घूम फिरा के मेरे ही पास आएगा। बेवकूफ बनवा के हमसे पैसे लेता है। सच्ची हाईटेक सलून। अरे रे 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 रे, हमारा कैंची तो एकदम चमक गया रे बाबा, क्या बात है? कुछ तो बात होगी। अरे दुकान तो बदल गया पर कैंची कहीं दिखाई नहीं दे रहा है यार। ये क्या कैंची? नए कपड़े? वो एम्पायर वाली टोपी? ये क्या अवतार बना के रखा होता है भाई? सिर्फ मैं हाईटेक नहीं हुआ हूँ, मेरी दुकान भी हाईटेक हो गई है। अब तुम लोग को कटिंग या शेविंग के लिए सिटी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी दुकान में आना, सब कुछ हाईटेक कर दिया है मैंने। भाई वो गौड़ा जी की बेटी को, वो भाभी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं भाई, उसने अभी फोन किया था भाई। आने वाला लड़का गीता को हाँ कैसे बोलता देखता हूँ। क्या बात है, समय के साथ साथ तू भी बदल रहा है। दुकान जा रहा है या फिल्म देखने? आपसे कहीं भी जाऊंगा तो ऐसे ही जाऊंगा। ऐसे चुपचाप खड़ा रखने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है क्या? अरे रे, मैं तो भूल ही गया, बैठो ना। बैठने के लिए इतनी दूर बुलाया है मुझे? नहीं, बात करने के लिए। अरे मेरी किस्मत ठीक है, कम से कम बात तो करो। क्या बात करूं? तो तुम ही कुछ कहो ना प्लीज। सब लोग तुम्हें कैची कैची कह के क्यों बुलाते हैं? अच्छा वो क्या, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। एरोप्लेन की खोज किसने की है? मैं सचिन, चल खड़ा हो जा, बता किसने खोज किया।
सर पता नहीं सर, इन सब की तो खोज हो गई है सर, अब हम जान के क्या करेंगे सर। ए, ये तो जनरल नॉलेज है, जिसने खोज किया है उसके बारे में जानना ही सर? होता है। ऐसा है तो मैं रोज कैंची का इस्तेमाल करता हूँ, कैंची की खोज किसने की थी सर? कैंची किसने खोज किया है? कैंची। अच्छा ठीक है, पर कैंची की खोज किसने की ये बात पता चली तुम्हें? नहीं पता है। देखो सच्चिदानंद, ये तुम्हारा नाम कितना अच्छा है, अब सबको तुम्हें सच्ची नाम से ही बुलाना चाहिए। ठीक है, आज के बाद अगर किसी ने मुझे कैंची कहा ना तो फिर ठीक नहीं होगा। मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया पता है तुम्हें? क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। गिफ्ट लाई हो? क्या हो सकता है, गेस करो। लड्डू लाई हो ना? नहीं वो नहीं है, चकली। वो भी नहीं। हाँ समझ गया मैं, रवा का हलवा ना। अरे वो भी नहीं है। वो भी नहीं है तो क्या हो सकता है? सरप्राइज। आज के बाद तुम सबकी शेविंग इसी से करोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, इससे मैं किसी की शेव नहीं करूंगा। ये तो तुमने मुझे गिफ्ट दिया है ना, इसको अपनी आखिरी सांस तक अपने पास रखूंगा। ये ले, जाके दारू पी ले, जा मजे कर। ए कैंची, चार बार मैं आकर गया, दुकान छोड़कर तू कहाँ चला गया था? क्यों रे ऐसे मुझे कैची कैची क्यों बुला रहा है? हाँ मेरा नाम सच्चिदानंद है, आज से मुझे सच्ची के नाम से बुलाना। अरे ठीक है जल्दी से काम शुरू कर यार। क्या रे, कल ही तो तू बाल कटवा करके गया था ना, आज दोबारा क्यों चला है? अरे बीवी मेरे पास नहीं आ रही है, जल्दी से काट यार। अभी पता चला मैंने 20 रुपए क्यों कहा था, बड़े बुजुर्गों ने कहा है सुख और संतोष के 7 सूत्र होते हैं, उनमें से एक ये भी है। चल पैसे निकल। ये ले पकड़। गीता मेरी जिंदगी में लक्ष्मी बनकर आई है, उसके आने के बाद मेरा नसीब बदल गया है। 100, 250, 300, 500। क्या सोच रहे हैं आप, आपने कभी इस तरह का बिजनेस किया है क्या? इस खुशी में खीर बनाइए, आज बहुत भूख लगी है। अरे आप ऐसे क्यों बैठे हैं दादाजी, चलिए उठिए। अच्छा 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 अच्छा, लड़की का नाम नहीं बताया इसलिए गुस्सा हो गए हैं ना आप? वो लड़की कोई और नहीं है, गौड़ा की बेटी गीता है। अरे बता दिया फिर भी आप नाराज बैठे हैं, उठिए चल के खीर बनाइए दादाजी। दादाजी दादाजी, इस तरह से आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते दादाजी, चलिए उठिए उठिए जल्दी उठिए दादाजी दादाजी दादाजी। ए भाई तू कब तक ऐसे बैठा रहेगा यार, जो चला गया वो कभी वापस लौट के आया है क्या? दूसरी तरफ गीता के पिताजी लड़का देख रहे हैं और तू यहाँ चुपचाप बैठा हुआ है। यार
एक बार तो गीता के बारे में भी तो सोच के देखना, इसे समझाओ गीता। पहले ही अपने दादा को खोकर इतने दुख में है, इस समय मैं अपनी स्वार्थ के लिए इसे शादी करने के लिए कैसे कहूँ, और इसे छोड़कर किसी और से शादी करने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूँ। तूने देखा ना यार, तेरे बिना वो मर जाएगी, ऐसा बोल रही है वो। तू अपने दादाजी की तरह इसे भी खो देना चाहता है क्या? देख यार, गीता भी रेडी हो गई है और तेरे सपोर्ट के लिए हम सब भी हैं। कहीं दूर चले जाओ, अच्छी जिंदगी जियो दोस्त। अगर उसे पसंद नहीं है तो तुम उसे फोर्स क्यों कर रहे हो? मेरे नसीब में जो लिखा होगा वही होगा। नहीं गीता, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। चलो चलते हैं। एए, आरती लेकर आओ, संधि जी आए हैं। हे, जल्दी से जाकर देख कि खाना तैयार हुआ कि नहीं। जा जा, जल्दी जा। ठीक है भाई। और जल्दी से कॉफी का इंतजाम कर। हाँ ठीक है भाई। हे, रुक जाओ। फंस गए यार। अरे जे 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 जे। हे, इस फूल को ऐसे बांध दे। देखने वाले क्या कहेंगे? जी साहब, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? जल्दी से इसे ठीक करो। हाँ जी, ठीक है। भाई, लड़के वाले आ गए हैं भाई। खाना खाते वक्त आ कैसे चिल्ला क्यों रहा है बे? आने दे उन्हें, क्या करना है मुझे पता है। आए हुए लड़के के सामने गीता खड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ दोस्त? दोस्त, गीता कहीं नजर नहीं आ रही है। समझ में नहीं आ रहा। ए छोटे, बेटी को लाने के लिए कहो। ए जाओ, लड़की को लेकर आओ। दोस्त, प्लान सक्सेस हुआ। ए भाई, यहाँ सबको पता चल गया है, तुम लोग जल्दी से निकल जाओ वहाँ से। ए, मजाक कर रहा है क्या तू? गीता अभी तक नहीं आई, मैं कहाँ जाऊंगा? हाँ क्या, गीता वहां पर नहीं आई तो गीता कहाँ चली गई यार? ए, इतने दिनों से बनाया हुआ प्लान मिस कैसे हुआ? पता नहीं भाई। अबे वो कहाँ गई? पता नहीं भाई। निकाल निकाल निकाल, गाड़ी निकाल। देखा कितना भोला भाला दिखता था वो कैची, लेकिन अब उस लड़की को फंसा कर लेकर भाग गया अब वो। क्या कहें भाई, आजकल के जमाने में किसी पे भरोसा थोड़ी ना कर सकते हैं। हे चले, वो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, अभी सच्चाई का पता चलेगा। गौड़ा जी, गौड़ा जी, आपका अनुमान बिल्कुल सही निकला, उस कैची ने दुकान भी नहीं खोली है और वो गाँव में भी नहीं है। चले देखा, मेरा गैस कभी गलत नहीं होता है। ए बेवकूफ कहीं का, वो गैस नहीं गैस होता है। अरे मैं भी वही कह रहा हूँ, समझ गया ना। मैंने कितने लड़कियों को लड़कों के साथ भागते हुए देखा है, लेकिन गौड़ा की लड़की पहली है जो उस लंगड़े के साथ भाग गई। अच्छा, लेकिन वो लंगड़ा भागा कैसे होगा? अबे ऐसे भागा होगा। हाँ? और निकल लिया और फिर अदृश्य हो गया। ये हो नहीं था, ये तो मुझे पहले से पता था। वो कमीना सुबह 11:30 का बस पकड़ के निकल गया होगा। ये गौड़ा जी मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने तो सच्चाई बताई है। आपकी मासूम बेटी को प्यार के नाम पर फंसाया है उसने। आप नहीं जानते उसे, बहुत कमीना है वो कैची। सर ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए मामा। कुछ भी हो जाए आप सर नहीं झुकाएंगे। आपकी इज्जत और मेरी इज्जत अलग नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं आपका सर झुकने नहीं दूंगा मामा। हुँ?
Hey, तू यहाँ पर क्यों आया बे? तेरा साया भी हमारे घर में नहीं पड़ना चाहिए। चल निकल यहाँ से। ऐसी मुश्किल घड़ी में मैं आया हूँ मामा, अपनी नफरत दिल से निकाल दीजिए। सर ऊपर कीजिए मामा। जिसके जात पात का कुछ भी पता नहीं उसके साथ चली गई वो कमीनी, मेरी बेटी, तो कैसे सर ऊपर करूं मैं? ये सर झुकाने का समय नहीं है मामा, सर काटने का समय है। उसका सर काट के आपके पैरों में डाल दूंगा। सर ऊपर करो मामा। हे खतरी, हे मान गया भाई, आज मान गया। चाहे कितनी भी तकलीफ दो लेकिन मुश्किल में अपने ही साथ देते हैं, ये तूने साबित कर दिया, साबित कर दिया। हे खत्री, आज से मेरी बेटी तेरी हुई खत्री, सिर्फ तेरी हुई। तू बस उस कमीनी को लेकर यहाँ आ जा, फिर मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगा। जा अब जा, जा। और उस कमीने कैची का सर मेरे कदमों के नीचे होना चाहिए। मैं बस इसी बात का इंतजार कर रहा था मामा, उसका सर काट के आपके पैरों में डालूंगा। ए, तुम लोग देख क्या रहे हो? जब उसका सर यहाँ पे लाऊंगा तब देखना। अबे यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, चलो जाओ जाओ जाओ। यार जल्दी पहले चल के कैची को ढूंढ से। हाँ, तो जल्दी गाड़ी निकाल, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, चलो 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 जल्दी बैठ, जल्दी बैठ, चलो। हाँ चलो, हाँ चलो चलो। अरे चल यहाँ से निकल लेते हैं चुपचाप। रुक जा बे। भाई मुझे बुलाया क्या? बता कहाँ गया है वो? भाई शायद वो शहर गया होगा यहाँ से। भाई चल चल चल। रुक बे। अरे यार वो देख कैची, रुक रुक। ए, तू आ गया, लेकिन गीता कहाँ है? हाँ देख, तू टेंशन मत ले, जैसा हमने सोचा था वैसे ही हुआ है। तू चल गाड़ी में बैठ। अरे छोड़ ना, पहले बता गीता कहाँ है। अबे चल ना यार पहले। सची गीता। भाई कौड़ा और कटारी दोनों एक हो गए हैं। हाँ यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी के अभी। चलो जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी आओ, बैठो यार, फास्ट उस रास्ते चलते हैं। चल जल्दी, चलो बैठो बैठो, जल्दी बैठो। हाँ ठीक है। यार ये किस सुनसान जगह में हम लोग आ गए, यहाँ पर तो कोई घर ही नजर नहीं आ रहा है, कहाँ जाएंगे? अरे पूछने के लिए कोई कुत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ। मैं हूँ ना यहाँ आया। अरे क्या हुआ यार, मेरे से भी ज्यादा टाइट हो गया? इस गांव में नया आए हो क्या? हाँ सर, हम लोग यहाँ पे नए हैं। तो फिर यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? बात ऐसी है कि भाई यहाँ आसपास कहीं रुकने के लिए कोई होटल वगैरह होगा क्या? इन लोगों को कैसे भी बेवकूफ बनाकर पीने के लिए पैसे ले लेता हूँ। बहुत मुश्किल है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। देखकर तो लग रहा है कि बहुत दूर से आए हो तुम लोग। तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे घर में सो सकते हो, मैं पूरा इंतजाम कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? हमारे रुकने से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी ना? अरे कैसी तकलीफ, चार्ज लूंगा ना। चलो भरोसा जरूरी है, चलो यार। चलो ठीक है, चलो आ जाओ, चलो हम लोग आ रहे हैं। पैसों के लिए मैंने तो हाँ कर दिया, लेकिन मेरी बीबी को मनाना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन है जो मैं पहले बता देता हूँ। कंडीशन क्या है वो? घर में मेरी बीवी है, उसने अगर पूछा तो तुम लोग बोल देना कि तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो, नहीं तो वो मेरा दिमाग खा जाएगी। वो सब छोड़ो, हमें जानते नहीं हो, हम लोग मैनेज कर लेंगे। सब कुछ तो मैंने बता दिया है ना, 300 रुपए डेली, लेकिन ये बात मेरी बीवी को मत बताना। आप जो मदद कर रहे हैं उसके लिए तो पैसे बहुत छोटी चीज है। तो फिर चलो चलो, चलो। चलो, चलो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। दरवाजा खोलो।
तेरा पति आए, दरवाजा खोल। अरे आ रही हूँ ना, इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? आ रही हूँ। खोल। अरे है है है, शराबी कहीं के, सुबह गए थे और अभी पी के आए हो। रुको अभी दिखाती हूँ तुम्हें, तुम्हारा रोज का यही नाटक है। शराबी कहीं के, मना किया था ना पीने के लिए, फिर पी के आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और आप मुझे चिल्ला रहे हो? तुम मुझे मेरे दोस्तों के सामने मार रही है, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम सब इसके फ्रेंड्स हो? हाँ जी, क्लोज फ्रेंड्स हैं। तू है तुम सब पे इसके फ्रेंड्स हो, तुम भी वैसे ही होगे। शराबी निकल यहाँ से, निकल के तुम हमने इसे बिगाड़ा है, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं। अरे क्या कर रही है, रुक जा। अरे ये लोग तुम्हारे गांव वाले हैं? अरे पागल कहीं का, मेरे गाँव के हो? हाँ दीदी, हम सब आपके ही गाँव के है। हमने इनसे रहने के लिए जगह के लिए पूछा, इसलिए ये हमें यहाँ लेकर आ गए। अगर आपको कोई एतराज है तो हम कहीं और चले जाते हैं। अरे ऐसा क्यों सोच रही हो, ये तो पागल है। मेरे मार की डर की वजह से ये अपने फ्रेंड्स को अपने साथ लेकर यहाँ आया है। पर तुम सब लोग तो मेरे अपने गांव के हो ना, कहाँ जाओगे? मेरे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर में तुम सबका रहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है ना। उस सब के बारे में मैं देख लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहाँ लेकर जाएगा पागल? यही अपने शिवा का घर है ना, वहीं रुकेंगे ये लोग। शिवा के घर? यही घर है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, आप लोग यहाँ की सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। गीता, क्या हुआ? गीता, क्या हुआ? डॉल है, इसको देख के डर गई क्या? खेलने के लिए बच्चों ने रखा होगा है? सब कुछ मैं क्लीन करके दे दूंगा, लेकिन आप लोगों को उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे तो तंत्र मंत्र किया हुआ है। अरे बाप रे, अरे यार ये सब देखकर बहुत डर लग रहा है, यहाँ जरूर कोई भूत वूत है, चलो निकल चलते हैं यहाँ से। ये तो लाइट था, इसमें डरने की क्या बात है? परसों गांव में त्योहार था ना, उसी की पूजा हुई थी यहाँ पर, और लाइट का तो ऐसा होता रहता है, इतनी सी बात पर डरते हो? हाँ यार ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लड़की होकर के गीता नहीं डरी और तू खुद भी डर रहा है और हम लोगों को भी डरा रहा है। चल वो झाड़ू उठा और साफ कर। चल चलो जल्दी कर, साफ करो। चलो भाई करो, साफ करो, हम यहीं पे एडजस्ट कर लेंगे, एक बार जगह साफ हो जाए फिर कोई परेशानी नहीं है। अरे इसकी क्या जरूरत थी, हम लोग ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे। चार्ज कर रहा हूँ ना, कोई परेशानी नहीं। अभी तुम लोग आराम करो, कल तुम लोग मेरे घर में आ जाना। ठीक है ठीक है। बाद में 300 रुपए देने, ये मत भूल जाना। अरे नहीं नहीं नहीं, और चाय और बाकी चीज भी मिल जाएगी। तो ठीक है, चलता हूँ फिर। ठीक है ठीक है, चलो। मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। ये मेरी जगह है, ये मेरी यार, मैं तो बीच में सोऊंगा यार। ए, जब देखो तू डराता रहता है। अरे अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ गीता, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? यहाँ पर एक डॉल थी, अचानक गायब हो गई। कहाँ, कौन सी डॉल? यहाँ तो कुछ नहीं है गीता। वो डॉल क्या, ये डॉल, ये तो यहाँ थी, ये वहाँ कैसे चली गई? अरे उस डॉल को मैंने यहाँ से उठा करके वहाँ पे रखा। लगता है तुम्हें भ्रम हो रहा है गीता। नहीं नहीं, ये डॉल यहाँ पर थी। अरे तुम इतना डर क्यों रही हो गीता? हम लोग यहाँ पे हैं ना, तुम चुपचाप जाके सो जाओ। हाँ गीता, ये बिल्कुल सही कह रहा, वो वहीं पे रखी हुई थी, तुम जाकर सो जाओ, हमें भी सोना है यार। ए चलो जाओ, तू भी जा, चलो चलो जाके सो यार, तुम लोग जाओ यार, गीता तुम जाओ, जाओ जाओ जाओ। चल रे कुमी, उसका भ्रम था यार। ए कैची, आराम से चल, लंबी आ रहे हैं। हाय, क्या है, कल रात भर उसी घर में सोए थे क्या? क्यों मरना है क्या तुम्हें? अरे भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सही तो बोल रहा हूँ, वहाँ दिन में कोई नहीं जाता, भूत का घर है वो। ए
सुबह सुबह ये आदमी फालतू की बकवास कर रहा है, चलो यहाँ से। मैं कुछ क्यों कहूंगा, ये सच है कि वहाँ भूत है। उस घर का मालिक भी वहाँ नहीं जाता। आप लोगों को वो बेवड़ा वहाँ लेकर गया क्या? हाँ उसी ने। और 300 रुपए भी मांगे क्या? उसे किसी की जान की कोई फिक्र नहीं होती, उसे तो बस पीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। मुझे जो बताना था बता दिया, अब आप क्या चाहते हैं वो देख लें। मैं तो चलता हूँ। आज तो शराबी को सबक सिखाएंगे। चलो गीता। देखो इस शराबी को, हम लोगों को वहां भूत के घर में छोड़कर यहाँ आराम से सो रहा है। अबे उठा इसको। ए उठ, उठ रे, उठ शराबी, उठ, ए उठ, उठ रे। अरे 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 अरे, आओ आओ, रात को अच्छी नींद आई ना तुम लोगों को? कमीने, हमारी नींद आराम कर दी। हमें उस घर में मारने के लिए लेके गया था क्या तू? क्या हुआ तुम लोगों को, मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या प्यार करेंगे तेरे साथ? रात में तूने हमें भूतों के साथ सुलवा दिया। क्या कहा? रास्ते में आते वक्त उस बंगले के आदमी से बात हुई ना तुम लोगों की? उसकी बात सुनकर तुम लोग मुझ पर इतना चिल्ला रहे हो, तो जाओ जाकर उसके बंगले में 2500 रुपए देकर रहो, जाओ। कल वो बंगले वाला एक नई कहानी सुनाएगा, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, जाओ। सर, हम लोग यहाँ रास्ता भूल कर आए हैं, आप अपने हैं। जब हमें ये पता चला तो हमें लगा कि आप हमारे भगवान हैं, लेकिन अगर आप अभी ऐसा कहेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? बस थोड़े दिन की बात है सर, हमारा काम जैसे ही खत्म हो जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। आप हमें यहाँ से मत निकालिए सर, बस कुछ ही दिनों की तो बात है सर। हाँ, ऐसे ही प्यार से बात करना। हाँ। तुम अपने दोस्त को समझा दो। हाँ। मेरा दिमाग हरदम खराब रहता है, मुझे फालतू बात पसंद नहीं है, आइंदा मुझसे ऐसी बातें मत करना। और हाँ, 300 रुपए बाकी के कहाँ है? हाँ ठीक है, देता हूँ देता हूँ देता हूँ। 100, 200, 300 ये लीजिए। हमसे गलती हो गई भाई, माफ कर देना। सुनो, गांव बहुत अच्छा है, घूम कर आओ, मैं भी अपना राउंड लगा कर आता हूँ, चलता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ जी। मेरी सुंदरता खराब हो गई है। मिला नहीं है, ढूंढ रहा हूँ मामा। लेकर आऊंगा उसे। ए, क्या बोल रहा है तू? अबे मुझे नहीं आई है बे। अबे ये कमीने, हमने जाकर किया ना, अब तू भी जाकर कर। भाई इधर आओ ना भाई। क्या है बोल? भाई मुझे सूसू और हंसी क्या है कि हमेशा नहीं आती है, उसके लिए मूड चाहिए होता है। मूड? मूड बना उसका। हाँ सचमुच यार, बहुत थक गए हैं, बहुत ठंड है यहाँ पर, चलो बहुत रात हो गई है, घूम घूम के थक गए हैं, चलो सो जाओ। अरे यार, वैसे यार चाहे कोई कुछ भी कहे, सोने के लिए ये जगह तो बिल्कुल मस्त है। सही बात है। अरे घूमते वक्त कुछ पता नहीं चला और अभी पैर में दर्द हो रहा है यार। हाँ यार देखो, अब मस्त सोना है। चलो सो जाओ। अरे सुनना भाई, मुझे बहुत ही अर्जेंटली आ गई है, मैं करके आता हूँ। चल गुड नाइट। कौन है? कौन है यहाँ? ए कैची, 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 क्या हुआ यार? कैची, क्या हुआ? कैची, अरे कैची, जो हुआ क्या? कैची, उठ, कैची, पता नहीं क्या हो गया इसे। कैची, चलो उठाओ, चलो ले जाओ, उठाओ यार इसे, उठा, आराम से, आराम से, चलो, पता नहीं क्या हो गया इसे, एकदम से। कैची, ए कैची, कैची लेके आता हूँ, कैची आके खोल, कैची, कैची, तकिया लगा यार, कैची, 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 क्या हो गया इसे? कैची, चिटा मार, कैची, 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 ए कैची, उठ, बैठ जा, कैची, उठ, आराम से, ए आके खोल, ये ले, ये ले, ये कैची, कैची, क्या हुआ?
चल पानी पी ले, पानी पी ले, पानी पी ले, पानी ले, आराम से, आराम से। क्या हुआ था वहाँ पे कैंची, बताना यार क्या हुआ? वहाँ मुझे लगा कि कोई कोई है यार, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है यार, मुझे डर लग रहा है। अबे हम सब लोग थक गए हैं यार, इतनी रात को तुझे वहाँ जाने की जरूरत क्या थी? रात में पेड़ के नीचे नहीं जाते, पता नहीं क्या। उस आदमी ने कहा था कि इस घर में भूत है और यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। अरे जिंदा रहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, पहले यहाँ से चलते हैं यारो, चलो। ए, चुप हो जा बे, तू इस तरह की बातें कर रहा है ना, इसलिए ये सब हो रहा है। भूत बोल रहा है भूत, अबे कुछ भी बोलता रहता है, पहले जो दिल के अंदर डर बैठा ना उसे निकाल के फेंको। अरे समझा ना इसे। हाँ, चलो चला इसको, चल सो जा, सो जा। ए, वो भी सोना बे। अरे कुछ नहीं हुआ क्या जी, भगवान को याद कर और सो जा, समझा ना, चल आराम से सो जा। जय हनुमान, जय वेंकटेश्वर भगवान, बचा लेना, हाँ, बचा लेना, चल सो जा, आराम से सो जा, बहुत रात हो गई है यार, बचा ले, सोने दे। मजा आ गया भाई, भाई 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 भाई, आप नाक से छोड़ दो भाई, भाई। अरे सुन, धुआं नाक से नहीं आग से भी छोड़ता हूँ। ऐसा है क्या तू भाई? देखना चाहता है क्या? ध्यान से देख, आग से धुआं निकल रहा है, निकल रहा है ना, देख देख। आप भी मार रहे हो, ये भी मार रहा है। वो कैची जहाँ कहीं रहे उसे छोड़ना मत। अरे कैंची को भी बुलाना यार, ठीक है, उसको भी पीने दे। कैंची, ए कैंची, अबे हाँ? ले पीजा। अरे नहीं यार। ए गीता के सामने फालतू में मत शर्मा, पीजा, वो कुछ नहीं बोलेगी यार, पीजा। हे, मैंने कभी पी है क्या? क्यों बेकार में परेशान कर रहे हो, लो पियो। अबे उस दिन तो पी कर ही तूने फैसला किया था ना। हे किरण, उस दिन गीता ने ऐसा बोला इसलिए मैंने पी लिया था। मतलब तू कभी नहीं पिएगा क्या? हाँ, मुझे नहीं पता है यार। हाँ गीता, तुम यहाँ पे हो ना इसलिए कमीना नाटक कर रहा है, तुम अंदर जाओ, हम लोग तुम्हारे लड़के को बिगाड़ेंगे नहीं। हाँ अभी जो कर रहे हो ये कम है क्या? ठीक है, जो करना है करो। ए, उसके सामने ही मेरी बेइज्जती कर रहे हो, पहले भी मैंने पीने के बाद ही गलती की थी, अब मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला, तुम ही लोग पियो, मुझे नहीं चाहिए। अबे कैंची, तुझे नहीं पीना मत पी, हम लोग पी लेंगे, क्यों? पीने वाले हैं मैं, लेकिन पैसा तेरा है, ठीक है ना? ठीक है, दे दूंगा, पी लो पी लो पी लो। चीयर्स भाई। सामान भाई गरम हुआ कि नहीं? भाई मैंने गरम करने के लिए बोला था, चलाने के लिए नहीं बोला था भाई। अरे थोड़ा और गरम होने दे इसे। अबे चले, पिछले जन्म में तू शमशान में काम करता था क्या? पिछवाड़ा जल गया मम्मी। भाई और 5 मिनट अगर ऐसे रह गया तो मेरा पिछवाड़ा जल जाएगा भाई। सिर्फ पिछवाड़ा नहीं, अगर नहीं बताए तो पूरा शरीर जला दूंगा। और थोड़ा बढ़ाऊं क्या भाई? भाई। अरे इतना जल्दी खत्म हो गया, मुझे तो नशा ही नहीं हुआ अभी, मुझे बिना नशे की नींद नहीं आएगी, चलो जाकर लेकर आते हैं। अरे बेटा किरण, मैं पी पी कर थक गया हूँ, तुझे जो चाहिए जाकर ले ले, मुझे नहीं चाहिए। कमीने पूरा खत्म कर दिया, अब बोलते है मुझे नहीं चाहिए, चल लेकर आते हैं। अबे छोड़ ना। ए, और बिनिया तो जाके ले गया ना, अभी हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे तो बियर चाहिए, मैं जाकर लेकर आऊंगा। पीने के बाद पागल हो जाता है ये, चुपचाप बैठ जा। ए, मुझे तो ये चाहिए। भट्टू है यार, तुम लोग सो जाओ यार, ये घंटा जाना। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, जाऊंगा मैं, आज मैं बियर लेके आऊंगा, तुम लोग देख लेना, मैं बियर लेकर आऊंगा बियर। ठीक है, मैं जाता हूँ, बियर लेके आऊंगा। अकेले जा रहा हूँ, पागल हो गया ये, अकेले क्यों भेज रहे उसे? Huh.
उठ जाओ, उठना, उठ जा, चल उठ जा। पीने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मर गए हो, सुबह हो गई है, चलो उठो, उठो जल्दी, उठो ना। अरे बाप रे, क्या हो गया? सर में दर्द हो रहा है यार। कितनी देर तक सो गया? और हाँ सर, पकड़ लिया यार, हम कैसे सोए थे यार। अरे किरण कहाँ पे है? ए, रात में उसने बहुत ज्यादा पी ली थी, बाहर पड़ा होगा कहीं पे। चल चल, जाकर उसे ढूंढते, पता नहीं कहाँ होगा। चल देख, चलो। मैं मना कर रहा था लेकिन मेरी बात कहाँ मानते हो तुम लोग? एक नंबर का पियक्कड़ है वो, पीने के बाद पागल हो जाते हैं। ए किरण, कहाँ चला गया यार? यहीं कहीं गिरा पड़ा होगा। ए किरण, किरण, ए किरण, 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 इधर कहीं होगा यार। रात में वो बाहर गया था ना, दोबारा वापस आया या नहीं? थू, उसका हमेशा का यही नाटक है यार, आखिरी समय में गोली दे देता है। उसकी किसी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ सही बोला यार। रुक जा, उसे कॉल करता हूँ। अबे क्या कॉल कर रहा है तू उसको? मोबाइल स्विच ऑफ किया होगा, एक हफ्ते के बाद ऑन करेगा वो। छोड़कर भागने की उसकी पुरानी आदत है। अरे पहले ही डर के मारे उसकी फट रही थी, मिला हुआ चांस थोड़ी ना छोड़ेगा। जब उसने कहा था ना कि अकेला दारू लेके आएगा, तभी मुझे डाउट हो गया था। इस बार भी उसने ठेंगा दिखा दिया ना। देख यार, जिस काम के लिए आए पहले वो खत्म कर लेते हैं, बाद में वो हाथ लगेगा तो बहुत मारेंगे उसको, क्या बोलता है? हाँ वैसा ही करते हैं। ठीक है चलो। धर्मस्थल में सामूहिक विवाह के लिए बस दो ही दिन बचे हैं, बस एक बार हम दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हमारे बारे में पूछने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन मैं तो अनाथ हूं ना, मुझे तो आशीर्वाद देने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन तुम, तुम्हारे पास तो हर कोई है, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ अनाथों की तरह शादी कर रही हो। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? भगवान है, और अगर शादी हो जाती है तो मेरा परिवार भी तो तुम्हारा ही होगा ना। ज्यादा मत सोचो, मेरे डैडी हमारे प्यार को जरूर अपना लेंगे। हम दोनों ने तो फैसला कर लिया है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। गीता, 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 मैं हमेशा तुम्हें अपनी रानी बना के रखूंगा गीता। जब तुम सोती रहोगी तो मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए प्यारी सी कॉफी बनाकर ले आऊंगा। गीता, गीता, अबे गीता, ए, सुबह सुबह क्यों उसे तंग कर रहा है यार तू? गीता दरवाजा नहीं खोल रही है। अबे अभी तक सो रही होगी वो, रुक मैं आ रहा हूं। अरे यार चल। गीता, 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 अरे गीता, गीता, कहाँ गई होगी, कहाँ चली गई? ए, वो अंदर होती तो दरवाजा खोलती ना, क्या बे, चल। हाँ चलो, हाँ चलो, हाँ चलो। कहाँ चली गई गीता? गीता कहाँ चली गई? गीता, 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 कहाँ हो तुम? गीता, 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 हे गीता, कहीं नजर नहीं आ रही है यार, पता नहीं कहाँ चली गई यार वो। यहाँ पे कुछ तो जरूर है यार। हाँ यार, लगता है किरण भी गांव वापस नहीं गया, यहाँ पर हमारे साथ कुछ तो हो रहा है।
आज गीता भी गायब हो गई है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कोई हमारे साथ गेम कर रहा है यार। और कौन कर सकता है यार, लोग बोल रहे हैं ना ये सब भूत का ही काम हो सकता है। परसों कैची के साथ भी कुछ हुआ था, किरण गायब है और अब गीता भी गायब हो गई, अब क्या देखना बाकी है यार। अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, अपनी जान बचा के निकल लेते हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं यार। ए फालतू की बकवास मेरे सामने मत कर, सोच एक बार उन दोनों के साथ क्या हुआ होगा यह मैं नहीं पता, तो फिर तू कैसे बोल सकता है। पहले हमें उन दोनों को ढूंढना पड़ेगा। मेरी बात मानो यार, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। ए कैसे जाऊंगा यहाँ से, उससे प्यार करता हूँ मैं यार, उसे छोड़कर कैसे जाऊंगा मैं। चाहिए तो तुम दोनों चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। गीता ने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया है पता है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। ए ये बिल्कुल सही कह रहा यार, आते वक्त हम लोग सब साथ में थे, जाते वक्त भी साथ में ही जाएंगे यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। बिना गीता के हम लोग यहाँ से गांव नहीं जाएंगे, समझ ले मेरी बात। ठीक है यार, जैसा तू चाहे, चलो चलो चलो, देखते हैं क्या होता है। हाँ ओ, सुनो भाई, पांच थे तीन ही रह गए, कल एक और गायब हो जाएगा। ए, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है, चुपचाप निकल जा। जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी जिंदगी की कीमत एक मुर्गे से भी कम हो गई है, मर्जी तुम्हारी। देखो भाई, सिर्फ 35,000 का मामला है, मैं अपना घर दे दूंगा, जिंदगी जरूरी है या फिर पैसा। अबे चुपचाप निकल यहां से। ए चल यार, अमानी, कैची, अमानी, क्या हुआ कुमी? अबे अमानी कहाँ है? और इस वक्त तू कहाँ गया था बे? मैं तो यहीं घर के पास ही था कुमी। अमानी नजर नहीं आ रहा यार। अमानी नजर नहीं आ रहा है? नहीं, तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है अमानी। अमानी, ए, अमानी कहाँ है तू? अमानी, 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 जब आया था तब सब साथ में थे मेरे, लेकिन अब अकेला हो गया हूं मैं, अपने दादाजी का श्राद्ध भी नहीं कर पाया। दादाजी का श्राद्ध करने के लिए मुझे गांव जाना होगा। जलाया था या गाड़ा था? हे चेले, ये तो कैची की तरह लग रहा है ना? अरे कैची की तरह नहीं, ये तो कैची ही है। गौड़ा जी, क्यों मार रहे हो? मैंने क्या गलती की है? कमीना, बोल रहा है कि कुछ पता नहीं है तुझे? मारूंगा नहीं रे, काट डालूंगा। मेरी बेटी कहाँ है? बोल कमीने,
कहाँ है वो? बता, कहाँ है गीता? प्यार के चक्कर में फंसा कर उसे कहाँ लेकर गया? क्या गौड़ा जी, खुद के खाने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, तो भला मैं आपकी बेटी को कैसे लेके भाग सकता हूँ? और मुझे भाई इससे कौन प्यार करेगा गौड़ा जी? अपने दादाजी का श्राद्ध करने के लिए मैं गांव गया था, और यहाँ आने के बाद आप लोग मुझे मारने लगे। ए, किसकी आंखों में धूल झोंक रहा है? तेरे खेल का सबूत ये है देख। बोल बोल, तूने हमारे साथ नाटक किया ना, बोल। मैंने कोई नाटक नहीं किया गौड़ा जी, मैंने कोई नाटक नहीं किया। इस कमीने को दो लगाइए, ये सब कुछ बता देगा, खोल बे लोफर। आपने ऐसा क्यों किया भैया? गौड़ा जी की बेटी को कभी आपने मुझसे बात करते देखा क्या? मैंने नहीं देखा तो क्या हुआ, उन तीनों ने तो देखा था तुम्हें। कौन है वो तीनों? अरे बोल ना, कौन है वो तीनों? कुमी, अमानी और किरण। हमें बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ। कैसा जमाना आ गया है गौड़ा जी, किसी और की गलती की सजा मुझे पाइस को दे रहे। आपने जो आरोप मुझ पे लगाया, मैं भला वो कर पाऊंगा क्या? वैसे भी अब तो मैं अनाथ हो गया हूँ। आप ही बताइए गौड़ा जी, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? एक तो मैं पहले से ही लंगड़ा हूँ, मैं तो पहले से ही अपाहिज हूँ। बेवजह मार खा गया, चल उठ। बेचारा, उन कमीनों की वजह से हमने इस बेचारे को इतना मारा पीटा। मेरी बात सुन खत्री, चाहे वो तीनों कमीने जहाँ कहीं भी हो, जा उन्हें उठा कर ला और मेरे कदमों में डाल, समझ गया? अरे बेचारा, उन तीनों की बात सुनकर मैंने इसे मार खिलवा दिया। ए कैची, मुझे माफ कर दे। हाँ लेकर आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा। तुम लोग देखते रहना, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ। पीके टोल हो गया है। आप, मुझे लगा भूत है। भूत यहाँ है बे। कैची, अगर मैं अनाथ हूँ तो मेरी कोई कीमत नहीं है क्या? नहीं कैची, मुझे छोड़ दे यार, मुझे छोड़ दे। नहीं कैची। उसका बाप नहीं है, अगर उसे कुछ हो भी गया तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है, उसी का इस्तेमाल करते हैं। तुम लोगों के ऊपर मैंने कितना भरोसा किया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। तुम हो? हाँ। औरत जात का तूने अपमान कर दिया। औरत जान देने वाली होती है, जान लेने वाली नहीं। प्यार के नाम पे बहुत अच्छा नाटक किया तूने, कितनी आसानी से कह दिया कि मुझे मार डालो। हाँ कैंची को खत्म कर दो। पूरे गांव के सामने मेरे मामा ने कहा था कि वो कैंची को मार डालेगा, और अब वही काम तुम करोगे और मेरे मामा जेल जाएंगे, कैंची शमशान में और हम दोनों शादी के मंडप में। आज तक मैंने इसका इस्तेमाल किसी पे नहीं किया, तू पहली होगी। हाँ।
और तू ही आखिरी है। दादाजी बोलिए बोलिए दादाजी। बेटा तेरे दोस्त तुझे धोखा दे रहे हैं। यार अगर तुझे अपने प्यार को जीतना है तो हम जैसा सोच रहे हैं ना, कैंची की बलि हमें लेनी ही होगी। उन तीनों के साथ मिलकर गौड़ा जी की बेटी भी तुझे धोखा दे रही है। शोहरत को ही जिंदगी समझ के बैठा है उसका बाप। छोटी जात वाले लड़के के साथ उसकी बेटी भाग गई, इस बात से बेइज्जत होके वो अपनी बेटी का हाथ तुझे ही सौंपेगा भाई। ए! कमीनो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, सबको सबक सिखाऊंगा। अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। ए, 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 छोड़ो मुझे, ए, छोड़ो। ए, 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 क्या कर रहे हो? ये सब उन्होंने ही किया है बेटा। दादाजी 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 दादाजी। अमानी, कैची कैची, अमानी क्या हुआ कुम्मी? अबे अमानी कहाँ गया यार, और तू इस वक्त कहाँ गया था? मैं तो बस यही घर के ही पास था कुम्मी। अमानी नजर नहीं आ रहा यार। अमानी नजर नहीं आ रहा है? तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। अमानी आस्तीन के साहब, ये सब कुछ तूने किया है? तेरी तो कमीनों, मेरा इस्तेमाल किया, अपाहिज हूं तो कुछ भी करेगा, मेरे साथ इतने दिनों से खेल खेला। क्या बे? कभी भी किसी अपाहिज को कम मत समझना। बस थोड़े दिन की बात है सर, हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम चले जाएंगे यहां से। जलाया था या गाढ़ा था? गाढ़ा था। तुम हो ये समझ के मैंने उससे शादी कर ली, लेकिन मैं उसके साथ जी नहीं पा रही हूँ। चिंता मत करो मेरी जान, मैं कल ही तेरे पति का खेल खत्म कर दूंगा। एक लाश गिर गई। क्या कहा? लाश गिर गई? साइड की मूछ क्यों काट दी? घूम के गलती कर दी आपने, ये तो ब्लेड है, काटेगी ही ना। समाज के नजर में तेरा पति मर गया, इसलिए मैं तेरे साथ शादी कर लूंगा और बाद में हम दोनों सुखी से रहेंगे। एक नहीं भाई, दो गिरे, दो। क्या कहा? दो लाश गिर गई? अब तूने पूरी मूछ काट दी क्या? मानना पड़ेगा, तू जो ठान लेता है वो करता ही है, अब पूरा ही साफ कर दे। ये ब्लेड दुश्मनों की तरह होती है, जरा सी भी चूक हो गई ना तो फिर ये काट देती है।
ए चेले, गौड़ा जी की बेटी को कोई और लड़का नहीं मिला कि उन तीनों के साथ भाग गई? अरे बाप रे! भाई 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 गौड़ा जी के घर के बारे में बात कर रहा था, उस आदमी ने सब कुछ सुन लिया है। अब मेरी कहानी खत्म हो गई। अबे छोड़, उसे सुनाई नहीं देता, बात भी नहीं कर सकता। कोयते को शार्प करने के लिए उसे गौड़ा जी ने घर में रखा है। तू तेरी तो, तू फालतू में उसे बिल्डअप दे रहा है। चल निकल निकल यहाँ से, निकल। भैया ये ऐसे क्यों हिल रही है? I love you. ये चेले, उसने क्या कहा सुना क्या? भाई, तुमसे प्यार हो गया। मुझसे प्यार हो गया उसे क्या? मुझे भी उससे प्यार हो गया है।